ये है होंडा डियो 125 एच स्मार्ट। ये स्कूटर बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। होंडा कंपनी का ये स्पोर्टी स्कूटर है जो कि आपको मिलता है लगभग 1,09,000 ऑन रोड प्राइस में। तो इसमें और कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 DRL मिल जाती हैं, एक स्पोर्टी लुक मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मडगार्ड पर आपको ड्यूल टोन कलर मिलता है, मतलब स्टिकर आपको रेड और वाइट के मिलते हैं। यहाँ पर आपको LED लाइट मिलती हैं, इसकी नोज ब्लैक मिलती है, यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड, यहाँ पर आपको 2 बड़े से इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 125 लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है इसमें। और अब आप साइड से देख रहे हैं इस स्कूटर को, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे डीओ लिखा हुआ है, एच स्मार्ट, मतलब ये कीलेस हो चुका है, इसमें चाबी नहीं लगेगी। और इसमें आपको स्प्लिट ग्रैब रेल E20 लिखा हुआ है। तो ये है साइड प्रोफाइल होंडा डीओ 125 का। अभी तक ये 110 सीसी में आता था लेकिन अब आपको 125 सीसी में ये मिलेगा। और 2 डिस्प्ले वाली डिजिटल मीटर इसमें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग सकता है। और ये है रियर प्रोफाइल होंडा डीओ 125 की, जिसमें 2 इंडिकेटर, यहाँ पर आपको बैक लाइट मिल जाती है। और स्पोर्टी इसमें साइलेंसर मिलता है, जिसकी मफलर कवर अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम और फाइबर की मिक्स करके दी गई है। तो यहाँ पर इस पर कवर भी लगी हुई है। E20 मैंने आपको दिखा दिया, स्प्लिट ग्रैब रेल है जो कि रेड कलर में ही है। और अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यह है लेफ्ट साइड व्यू होंडा डियो 125 का। 125 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आप स्टिकर देख सकते हैं, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है। होंडा इधर भी बड़े से लिखा हुआ है। साइड स्टैंड इसमें सेंसर भी लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फुटरेस्ट है, कीलेस है, वो मतलब किकलेस है और कीलेस दोनों है, मतलब चाबी भी नहीं लगेगी और किक भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। और इसमें ये रिमोट से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी, मतलब सेल्फ स्टार्ट तो इसमें आपको मिलता ही है। और एच स्मार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और भाई सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखा दूँ, इसमें 2 रिमोट मिल जाते हैं। इस वाली बटन से, ऊपर वाली बटन से आप अपने स्कूटर को फाइंड करना होगा तो आप इस बटन को दबाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों इंडिकेटर ये सिंबल जल रहे हैं। और अगर आप फ्रंट से देखेंगे, मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो ये देखिए इंडिकेटर ऑन हो गए, मतलब फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं आपका स्कूटर कहाँ खड़ा है, तो इससे आप इस स्कूटर को खोज सकते हैं। 2 रिमोट मिलेंगे, इनको आपको एक अपने घर पर रखना है और एक अपने साथ रखना है। साथ में यहाँ पर ये बार कोड मिल जाते हैं, अगर आपका स्कूटर की चाबी अभी खो जाती है तो आप इन कोड से इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाई बीम लो बीम की, इंडिकेटर की, हॉर्न की, और ये यहीं से सेल्फ स्टार्ट और यहीं से ये आइडल स्टार्ट स्टॉप की बटन भी मिल जाती है। अब मैं ज़रा इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसमें आपको 2 डिस्प्ले मिल जाती हैं भाई, अच्छी बात ये है। और मैं इसको ज़रा वाइड एंगल से हटा लेता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे ये एक बटन दी गई है। यहाँ पर आपको ये RPM मीटर की है, मतलब इंजन का आपको बताएगा इंजन कितनी स्पीड में है। यहाँ पर आपको किलोमीटर बताएगी। PGM FI प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। टोटल यहाँ पर बता रहा है, इस बटन को जब मैं प्रेस करूँगा तो ट्रिप और ये किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब रियल टाइम माइलेज और एवरेज, और ये रेंज भी आपको बताएगा। बाकी आपको टाइम ये बता रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 3 मोड में आपको ये बटन वो मिलती है, ये देखिए 3 मोड में इको मोड और इम्बोलाइजर, और यहाँ पर ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का, यहाँ पर चेक इंजन लाइट, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। अब इसी समय में इसको स्टार्ट करके इसका साउंड भी सुना देता हूँ। इसका साउंड काफ़ी बढ़िया दिया गया है और इसमें भी ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्टार्ट नहीं करूँगा। फिलहाल मैं इसको फ्रंट से दिखा देता हूँ। इसके DRL कुछ इस प्रकार से ऑन है और इसमें आपको LED लाइट यहाँ पर मिल रही है और आप फ्रंट लुक देख सकते हैं इसका। और मैं आपको रियर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। बैक लाइट ऑन होने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लग रहा है भाई ये स्कूटर होंडा डियो 125। प्राइस मैंने आपको बताई भाई 1,09,000 जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मतलब RTO इंश्योरेंस और एक शोरूम प्राइस में मैंने आपको बताया हुआ है। और जैसे अगर आप एसेसरीज लगवाते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर, लगभग 190 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप देख लें। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की, और ये स्विंग आर्म सस्पेंशन है जो कि रेड कलर में है। लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो पहिया 10 इंच के पहिए मिलते हैं, अलॉय व्हील 10 इंच का इसमें आपको मिलता है भाई, और किक नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, ये आप देख लें, यहाँ पर आप सामान वामान टांग सकते हैं भाई, ये अच्छी बात है। माइलेज लगभग 40 से 50 के बीच में रहेगी, जैसा आप चलाएंगे वैसे ही माइलेज आपको मिलने वाली है।
और इसमें अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको भाई 6.9 किलोवाट की पावर मिलती है, मतलब कि 8.16 पीएस की पावर मिल जाती है 6250 आरपीएम पर, और 10.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5000 आरपीएम पर। 104 किलोग्राम इसका वजन है और सीट लेंथ है 708 एमएम। तो दोस्तों आपको ये स्कूटर कैसा लगा आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। प्राइस, माइलेज, फीचर सब कुछ मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट करके भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।